नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, कल हमने स्टेप ऑफ रिसर्च यानी कि रिसर्च प्रोसेस में से क्वेश्चन देखे थे कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आज हम उन सभी की एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरह से जो रिसर्च की जाती है और अलग अलग रिसर्च के क्या क्या स्टेप हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, हमने NTA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपल रिसर्च के स्टेप देखते हैं कि जो हमारी सामान्य रिसर्च है वो किस तरह से होते हैं और उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये हमें बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि सिंपल रिसर्च है उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों सिंपल रिसर्च के अंदर, वो आती है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे रिसर्च का नाम आता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारा प्रॉब्लम सिलेक्शन करना, यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल नई हो और जिसका अभी तक समाधान ना खोजा गया हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आता है हमारा साहित्य सर्वेक्षण, लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर सर्वे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पहले हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की है उस पर क्या क्या काम हो चुका है और लोगों ने क्या क्या समाधान खोजने की कोशिश की है। उसके बाद आता है दोस्तों परिकल्पना, मेकिंग हाइपोथीसिस। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा अंदाज़ा होता है कि हमारा ये जो काम है इसका रिजल्ट ये निकलेगा, यानी कि उसकी कल्पना करते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे रिसर्च के अंदर होता है, जो भी हम प्रॉब्लम लेते हैं तो उसका थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसकी हम कल्पना करते हैं पहले ही। और उसके बाद आता है दोस्तों शोध की रूपरेखा तैयार करना, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो एक काम है किस तरीके से होगा और यानी कि उसे पूरे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा रिसर्च के अंदर होता है रिसर्च डिज़ाइन, हमें पूरा डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से हमें रिसर्च करनी है। उसके बाद आता है दोस्तों नमूना चयन यानी कि सैम्पलिंग। उसके बाद जैसे कि हमें रिसर्च करनी है तो उसमें किन किन लोगों को शामिल करना है, किन किन एलिमेंट्स को लेना है, वो सारी चीज़ें होती है, तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग, यानी कि रिसर्च के अंदर जो सैंपल लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला स्टेप आता है हमारा सामग्री इकट्ठा करना यानी कि डेटा कलेक्शन। यानी कि सैम्पलिंग लेने के बाद में हमें ये ज़रूरी है कि हम अपनी रिसर्च का पूरा डेटा इकट्ठा करें। उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 7 पे परिकल्पना परीक्षण यानी कि हाइपोथीसिस टेस्टिंग। अब देखिए, हमने ये जो 3 नंबर पे हाइपोथीसिस बनाई थी, जो हमने कल्पना की थी, तो नंबर स्टेप पे जाके हम देखते हैं कि जो हमने सोचा था क्या वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस पर हम देखते हैं, उस पर हम विचार करते हैं, अपनी जो कल्पना है उसको देखते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 8 पे सामान्यकरण तथा व्याख्या करना, यानी कि उसके बाद हमने ये देखे नंबर स्टेप पे हाइपोथीसिस टेस्टिंग कर ली, यानी कि हमने अपनी परिकल्पना को देख लिया कि कैसे ये सही जा रही है गलत जा रही है। उसके बाद उसे हम जनरलाइज करते हैं, उसे हम थोड़ा सिंपली वे से देखने की कोशिश करते हैं, उसे सामान्य करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा निष्कर्ष, यानी कि हमने ऊपर 8 जो स्टेप फॉलो किए उससे हमें क्या निष्कर्ष निकल के आया है, और उसमें हम ये रिजल्ट निकलते कि हमारी जो प्रोसेस है, हमारी जो रिसर्च है वो सही है या गलत है, यानी कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला है हमारी जो रिसर्च है उससे। उसके बाद में दोस्तों अगर हमारी रिसर्च गलत है तो हम उस पर दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं, और अगर हमारी रिसर्च सही है तो वो है कि वो हमारी फाइनल रिसर्च हो जाती है और उसकी हम रिपोर्ट बनाते हैं और आगे फिर भेज देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी सिंपल रिसर्च होती है, और ये आप ये जो स्टेप है सारे के सारे स्टेप आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना, और आप ना लिखने की कोशिश करना बार बार याद करके और बिना देखे लिखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों क्वेश्चन आने की।
ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हमारी अगली रिसर्च आती है साइंटिफिक रिसर्च। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ना कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कंफ्यूज कर सकते हैं, उसमें सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम भी दिया हुआ होगा। लेकिन आपको ये देखना कि उन्होंने सिंपल रिसर्च पूछी हुई है या फिर साइंटिफिक रिसर्च पूछी हुई है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस आता है, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड थ्योरीज। और अगर आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ना चाहो तो ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, सहविचरण, भ्रामक संबंधों का विचरण, सामान्यकरण और सिद्धांतीकरण, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, इसके लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों किस तरह की रिसर्च होते हैं, उनके क्या क्या स्टेप होते हैं। अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ, ये है हमारी दोस्तों एक्शन रिसर्च। अब देखिए एक्शन रिसर्च के स्टेप क्या क्या होते हैं, इसके अंदर जैसे हिंदी में बात करें तो योजना निर्माण, सबसे पहले योजना का निर्माण करते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन और फिर परीक्षण, फिर विमर्श। और इंग्लिश में इसे देखें तो सबसे पहले प्लान, फिर एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये चार चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, और इसी से आपका काम बन जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करना दोस्तों, बार बार लिख के इसको देखना कि आपको याद रहता या नहीं रहता। नॉर्मली क्या होता है कि हमने एक बार पढ़ ली, हमें ये लगता है हाँ ये तो मेरे को याद है, ये तो मैं कर दूँगी या मैं कर दूँगा। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पहले एक्ट था या फिर प्लान था, क्या था, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और आगे देखते हैं दोस्तों शोध निबंध के तत्व, यानी कि जो शोध निबंध होता है उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, उसके भी जो स्टेप हैं वो थोड़े अलग हैं। अब इसमें देखिए शोध निबंध में क्या होता है, सबसे पहले प्रस्तावना होती है, फिर साहित्य पुनर्वीक्षण होता है, फिर शोध प्रणालियाँ होती है, फिर परिणाम और फिर चर्चा और निष्कर्ष, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि शोध निबंध क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों आगे की जो वीडियो होगी कि शोध निबंध क्या होता है, ठीक है। और अब देखिए इसके अंदर स्टेप की बात चल रही थी हमारी, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी ये स्टेप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन और फिर लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेथडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्टेप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, फिर है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे दोस्तों नंबर 6 पे रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च रिपोर्ट। अब इसके अंदर होता है इंट्रोडक्शन, एम, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं आप, प्रस्तावना, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रविधि, निष्कर्ष, उपहास और संस्तुति, ठीक है। तो ये मेन 6 तरह की रिसर्च थी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, वो कभी शोध निबंध में से क्वेश्चन दे देगा, कभी एक्शन रिसर्च में से क्वेश्चन दे देगा और तो कभी सिंपल रिसर्च। तो इन सभी के जो स्टेप है वो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल के क्या होंगे और साइंटिफिक के क्या होंगे, और वो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी दोस्त को इस वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, हम उनके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।